अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस को 176 करोड़ की सौगात दी है। सीएम योगी ने 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं था, लेकिन अब यूपी में कोई भी दंगा नहीं होता है। फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमने प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया है। तो भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं, संकट में जो आपका साथी वही सच्चा साथी। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमने देखा है किस तरीके की स्थितियां थी। दुनिया में हाहाकार था, जान बचाने के लिए लोग लालायित थे। उस दौरान आपने देखा होगा, एक ओर उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम और हेल्थ वर्कर घर घर जाकर के लोगों की सेवा कर रहे थे, उनके लिए शासन की योजनाओं को पहचाने का कार्य कर रहे थे। तो दूसरी तरफ सरकार के द्वारा गरीब को भरण पोषण भत्ता और इसके साथ ही सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को फ्री में राशन पहुंचाने का काम भी हुआ है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ। तो 214 परियोजनाओं की सौगात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। हाथरस को एक बड़ी सौगात देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ